आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसलमेर के 10 सबसे अच्छे स्थानों के बारे में और जैसलमेर से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी दूंगा। और वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब देकर आपको मिलता है मौका ढेरों 10 on 10 इनाम जीतने का। जैसलमेर भारत के राजस्थान राज्य में थार रेगिस्तान के बीच में बसा हुआ एक लोकप्रिय और देखने लायक शहर है। जैसलमेर शहर को अपने रूप की वजह से गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। आइए इस वीडियो में जैसलमेर की 10 बेहतरीन जगहों के बारे में जानते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी भी दबा दीजिए। नंबर 10, जैसलमेर पवन चक्की पार्क। जैसलमेर का पवन चक्की पार्क काफी अनोखी जगह है। यहाँ पर विशाल क्षेत्र में सैकड़ों ऊंची ऊंची पवन चक्कियां लगी हुई हैं, जो हजारों मेगावाट की ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। लगभग 100 मीटर ऊंची इन पवन चक्कियों को घूमता देखकर आपके अंदर का बच्चा यकीनन जाग जाएगा। अगर आपको कुछ नया देखने का मन है तो यहाँ जरूर जाएं। नंबर 9, मोती महल। जैसलमेर का मोती महल एक पुश्तैनी हवेली है जो 18वीं सदी में बनाई गई थी। इस हवेली को सालम सिंह की हवेली नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के कुछ भाग में अभी भी मूल निवासियों के वंशज रहते हैं। इस हवेली को इसकी विचित्र वास्तुकला के लिए काफी सराहा जाता है। नंबर 8, कुलधरा गांव। अगर आपको रोमांच या रहस्य पसंद है तो आप जैसलमेर से कुछ दूर स्थित कुलधरा गांव जा सकते हैं। ये जगह 13वीं सदी से एक आबाद और खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन एकाएक 19वीं सदी के शुरू में इस गांव के निवासियों ने ये गांव छोड़ दिया। आज तक इस रहस्य से ठीक से पर्दा नहीं हट पाया है कि इस जगह को एकदम से वीरान क्यों कर दिया गया। काफी पर्यटक इस रहस्य को सुलझाने यहां आते हैं। नंबर 7, गड़ीसर झील। गर्मी से झुलसते जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में गड़ीसर एक सुकूनदायक झील है। ये एक मानव निर्मित झील है और इसको राजा रवल जैसल जी के दिशा निर्देश पर बनाया गया था। इस झील में बोटिंग भी की जा सकती है, जिसका अपना मजा है। इस झील के आसपास काफी प्रवासी पक्षी भी देखने को मिलते हैं, जो यहाँ अपने लंबे सफर के दौरान आराम फरमाते हैं। नंबर 6, तनोट माता मंदिर। तनोट माता मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसको हमारे बॉर्डर पर तैनात वीर सैनिक बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और वह इसलिए क्योंकि साल 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान की ओर से लगभग 3000 बम फेंके गए थे, जो कि इस मंदिर के चारों ओर गिरे, लेकिन एक भी बम इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाया। हर साल 16 दिसंबर को यहाँ युद्ध में हुई जीत के उपलक्ष्य में पर्व भी मनाया जाता है। नंबर 5, रेगिस्तानी सफारी। अगर आप रेगिस्तान से घिरे जैसलमेर शहर जाएं और रेगिस्तान में सफारी का आनंद ना लें तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। जैसलमेर में कई जगह पर आपको रेगिस्तान के जहाज यानी कि ऊंट या फिर जीप के द्वारा रेगिस्तान की रेतीली सरजमी पर सफारी की सुविधा दी जाती है। इन रेगिस्तानी सफारियों का मजा सबसे ज्यादा सुबह या फिर शाम के वक्त आता है, क्योंकि दोपहर में धूप से रेगिस्तान तप उठता है। नंबर 4, जैन मंदिर। दिलवारा वास्तुकला के अनुसार बनाए गए जैसलमेर के जैन मंदिरों की ख्याति विश्व भर में है। ये मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकारा तपस्वियों को समर्पित हैं, जिनको जैन धर्म का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ये एक मंदिर नहीं बल्कि 7 मंदिरों का समूह है, जिनको एक जैसे पत्थरों से बनाया गया है। अगर आपको जैन धर्म के लेख में रुचि हो तो आप यहाँ 15वीं सदी में स्थापित किए गए ज्ञान भंडार पुस्तकालय में भी जा सकते हैं। नंबर 3, लोंगेवाला। अगर आपने लोकप्रिय बॉर्डर फिल्म देखी है तो ये आपको मालूम होगा कि हमारे वीर सैनिकों ने कैसे जौहर दिखा के जंग में पाकिस्तानी सेना पर जीत हासिल की थी। अगर आपको हमारे इन निडर सैनिकों का सम्मान करना हो या वॉर म्यूजियम देखना हो तो आप जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में स्थित लोंगेवाला जा सकते हैं। ये गांव पाकिस्तानी सीमा के बहुत ही नजदीक है। नंबर 2, पटवों की हवेली। पटवों की हवेली
जैसलमेर का एक शाही निवास स्थान है। ये हवेली बाहर से तो खूबसूरत है ही, साथ ही अंदर से अपने आलीशान माहौल से आपके होश उड़ा देगी। इस हवेली के भीतर की गई चित्रकारी, कांच के काम और बालकनियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। इस हवेली को एक अमीर व्यापारी ने 19वीं सदी में बनवाया था। नंबर एक, जैसलमेर किला। जैसलमेर का किला एक विशालकाय किला है जो हर साल हजारों पर्यटकों को जैसलमेर शहर में आकर्षित करता है। इस किले को 12वीं सदी में बनाया गया था और इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट नाम से भी जाना जाता है। ये किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है।